खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। सर आज मड़ावरा क्षेत्र में आपका आगमन हुआ है और यहाँ पर निरीक्षण किया है, सर किन संबंध चीजों से आपने यहाँ पर आज निरीक्षण किया है? देखिए थाना मड़ावरा जनपद ललितपुर में आज मेरे द्वारा थाना मड़ावरा तथा जो यहाँ के थाने मदनपुर और गिरा थाने का जो समीक्षा की गई है, तीनों थानों के जो सारे सब इंस्पेक्टर्स थे और जो वहाँ के थाना प्रभारी उनको बुला के, साथ ही साथ थाना मड़ावरा में जितने हमारे सैनिक जितने हमारे पुलिस वाले, चाहे वो हमारे कांस्टेबल्स हों, हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल्स हों और जो PRD और होमगार्ड के जवान हैं सारे, उनका एक सम्मेलन भी किया गया, उनकी उनकी जो परेशानियाँ थे उसके बारे में भी जाना गया और जो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं उसको देखा गया। जो जो हमारे द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं जो यहाँ पे थाना मंडावरा और गिरार और मदनपुर को, वो यही है कि जो विवेचनाएँ हैं, जो लंबित विवेचनाएँ, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर ज़्यादातर पुलिसकर्मी हमारे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में बिजी थे और थोड़ा उनके पास समय था, तो जो विवेचनाएँ हैं उसको जल्द से जल्द निस्तारित करें, विधि पूर्वक निस्तारित करें, ताकि जो वादी हैं उन लोगों को समय पर उस पर न्याय मिल सके। और जो शासन और हमारे जो DG हेडक्वार्टर के जो निर्देश हैं, चाहे वो शराब को लेके है, अवैध खनन को लेके, उसके बारे में भी सख्त से निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार से इसकी जो अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी, जिस व्यक्ति के खिलाफ जो बेच रहा होगा उसके खिलाफ भी, और जिसके क्षेत्र में पाई जाएगी उस संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सभी को यही बताया गया, अवगत कराया गया और ये इस प्रकार के जो हमारी समीक्षा बैठक है वो जनपद में और भी जगह पर लगातार होती रहेगी और अगले 2-3 दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि पूरे जनपद के थानों को कवर करूँ और सभी को ये दिशा निर्देश दूँ। सर आज थाना क्षेत्र में जो बैठक हुई है, यहाँ पर जो क्राइम क्षेत्र को लेकर है उसमें क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए क्राइम में अगर देखा जाए तो इन तीनों थानों में बहुत ज़्यादा कोई क्राइम पेंडेंसी नहीं है, ना ही कोई सनसनीखेज इस प्रकार की जो क्राइम है वो पेंडिंग है। मदनपुर में जरूर एक लूट हुई थी तो उसका हम लोगों ने सीख ही 24 घंटे का नावरण भी कर लिया, उसके जो जो लोग मुलजिम थे उनको भी पकड़ा गया और जो बाकी लोग थे उनके नाम भी हमें मिल गए, उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।